बस्मरिम्सम मैं हूँ फ़हीम अख्तर नाजन इंसाफ होके रहता है देर लगती है लेकिन इंसाफ हो ही जाता है आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पी टी आई के वर्कर्स और पाकिस्तान के सबक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब की कामयाबी का बड़ा दिन है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल तिरसठ ए की तशरी और मुनरफ अरकान से मुतल जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ़ अलवी की जानब से एक रेफरेंस भिजवाया गया था उस वक्त वो रेफरेंस भिजवाया गया था जब वजी अजम इमरान ख़ान के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद अपोजिशन जमातों की जानब से जमा कराई गई थी और सिंध हाउस में पी टी आई के जो दो बीस मुनहरफ अराकान कौमी असम्बली मौजूद थे उनके खिलाफ फैसला लेने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को कई महीनों तक सुना डेढ़ महीने तक लगभग इसको सुना आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया है और फैसले का जो क्रक्स है वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से लोटू का जो किरदार है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इस फैसले का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे इसकी इम्प्लीकेशनस क्या होंगी पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत कब तक कायम रहेगी मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि अगले अड़तालीस घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको सिचुएशन नज़र आना शुरू हो जाएगी लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून डटी हुई है वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तौर के ऊपर भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगर हम इलेक्शंस की तरफ गए की तरफ गए तो पीटीआई हमें खा जाएगी नाज़िन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पांच रुकनी बेंच ने सदर ममलिकत की तरफ से भिजवाए गए आइन के आर्टिकल त्रेसठ ए की तशरी से मुतल रेफरेंस भिजवाया था पांच रुकनी बेंच ने समात मुकम्मल होने और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपनी महफूज राय सुनाई जो राय तीन दो की अक्सरियत से आई जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल इन दो मज़द जजेज़ ने तीन जजे से इख्त किया और यूँ फ़ैसला तीन दो की अक्सरियत से आया जजे ने अपनी राय में लिखा कि आर्टिकल सत्रह के तहत सियासी जमातों के हकूक़ हैं इनराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्कम और पार्लिमानी जमूरीत को डी रेल कर सकता है आर्टिकल तिरसठ सियासी जमातों के हकूक की बात करता है अदालती राय में कहा गया है कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं आर्टिकल तिरसठ का मकसद अरकान को इनराफ से रोकना है मुनहरफ अराकान का वोट नहीं गिना जाएगा ये वो जुमला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का ये वो फैसला है जिसके अंदर सारी कहानी छुपी हुई है क्योंकि इस जुमले के तहत जो मुनरफ अरकान हैं जो जो पंजाब असम्बली में 25 पीटीआई के एम ने वोट डाला है हमजा शहबाज शरीफ को वो काउंट नहीं होगा इसकी इम्प्लीकेशन मजीद क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है वो भी आपके साथ शेयर होगा फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल थ्रेसठ ए की असल रूह है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इनराफ ना करना पड़े और जमातों को हकूक का तहफ़ मिले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय में कहा गया है कि मुनरफ फराकिन की नााहली के लिए कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है मुस्तबिल में इनराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो दो तीन से राय दी है इसमें मुनरफ फराकिन की ताहायात नााहली से किसी किस्म का को कोई रिमार्क्स नहीं दिया जजेस ने कहा कि वक्त आ गया है कि मुनरफ फराकिन के हवाले से कानून साजी की जाए इख्तलाफी जजेस ने जो मुनहरफ अरकन थे उनको डी सीट करने की राय भी दी आर्टिकल त्रेसठ की तशरी का उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस इक्कीस मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर बीस समातों के बाद फैसला महफूज किया और अठावन दिन में रेफरेंस पर समात मुकम्मल की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस एजाज उहसन जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल पर मुश्तमिल पाँच रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस के ऊपर फ़ैसला जो है वो सुनाया है अब इसकी दो तीन नाज्रीन इम्प्लीकेशन हैं पहली इम्प्लीकेशन ये कि क्या इससे वफाकी हकूमत ख़त्म हो सकती है या इससे पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो सकती है तो पहली बात तो ये कि अगर आज अख़लाक़ी तौर पर अब देखें तो पंजाब हकूमत ख़त्म हो चुकी है ऑन वेरी हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर पंजाब के वज़र अल हमजा शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि जब इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस रेफरेंस की और जिसमें रेफरेंस के अंदर ये म, कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर राय दें आइनी राय दें कि ए के तहत क्या इनके जो मुनरफ होने वाले अरकान हैं क्या इनके वोट काउंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते तो उस वक्त ये प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में जेर समात थी तो पंजाब के एलेक्शन होते हैं लिहाजा बराह रास्त ये शामिल हैं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ किसी और कोर्ट में जाने की रेफरेंस दायर करने के लिए आ, तो ये आ, जो है वो ये क्लियर कट है कि ये अब फारग हो जाएंगे दूसरा ये कि वफाकी हकूत के ख़त्म हो सकती है तो वफाकी हकूमत भी ख़त्म हो सकती है क्योंकि अब हुकूमत सिर्फ़ चार अरकान के ऊपर मौजूद है अगर काफ लीग के अरकान टूट जाते हैं और एम क्यू एम पाकिस्तान जो पहले पर तोल रही है वो अगर अलग हो जाती है तो वफाकी हकूमत भी ख़त्म हो सकती है इतलात ये आ रही हैं कि बस ये हकूमत चंद दिनों की मेहमान है और इसके बाद एलेक्शनस भी होंगे और उसके बाद नया निगरान सेटअप भी आएगा और इसके बाद इंतबात होंगे तो वफाकी हुकूमत अगर इस सारी सिचुएशन से कुछ बच भी जाती है अगर ये टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं जिसकी मशावरत इस वक्त वजीर अजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं तो बजट में ये फंस जाएंगे क्योंकि बजट में इनकी अप्रूवल नहीं हो सकेगी और बजट में भी तिरसठ ए लगता है तो मतलब मई चल रहा है जून में ये एंड हो जाएंगे फंस जाएंगे और बुरे तरीके से ये फंस रहे हैं तो पंजाब की हुकूमत तो नाज्रिन ख़त्म हो चुकी है पंजाब की हुकूमत के ऊपर तो इस फैसले का इतलाक़ होता है लेकिन वफाक के ऊपर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो एक ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ैसला है लेकिन अगर ये फ़ैसला तहरीक आदम अतमाद के दिनों में आ जाता तो शायद पाकिस्तान में डॉलर एक सौ छियानवे के ऊपर भी ना जाता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइन के करीब भी ना पहुँचता और पाकिस्तान में इस हद तक पोलराइजेशन भी ना होती और सियासी अदम इस्तकाम भी ना होता बहरहाल देर आए दुरुस्त आए ऐसा महसूस होता है जैसे इमरान खान के साथ कुदरत है अल्लाह की मदद उनके साथ है यही वजह है कि इमरान खान जैसे ही थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उनको कुदरत की तरफ से कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाती है जिसके बाद इमरान खान मजबूत हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन और हाँ यहाँ पर अगर आप क्रेडिट सबक अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब को ना दें तो ये बड़ी ज्यादती होगी खालिद जवेद खान साहब से मेरा फ्रिक्वेंटली रबता रहता था उनसे मैं बातचीत करता था तो वो कहते थे कि हम तारीख़ सेट कर रहे हैं हम सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं और हम अगर हुक्मरान नहीं होंगे आइंदा अगर कोई और हुमरान आएगा तो उनके लिए चीज़ें ये बेहतर होंगी पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सैनट इंतबात में हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला ट्रेसेबल वोटिंग के फैसले से रुक गया और ये लोटा क्रेसी को रोकने का भी सहरा खालिद जवेद ख़ान और इमरान खान के सर जाता है और इन महज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ऊपर जाता है जिन्होंने ये फैसला दिया है आ, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं इलेक्शन कमीशन ने 25 पीटीआई के एम के ऊपर रेफरेंसेस जो थे उन पर फ़ैसला महफूज कर लिया है इलेक्शन कमीशन अब कल या फिर अगले आने वाले एक दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक उसकी राय लेंगे इस जजमेंट की और उसके बाद इसी के मुताबिक अपनी जो राय है वो कायम करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला करता है कि इन अरकान ने इराफ नहीं किया इन अरकान ने अगर इहराफ नहीं किया तो उनके ख़िलाफ़ जो डी करने वाला ऑप्शन है उसको हम ख़त्म करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इशूज़ पैदा हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए क्योंकि इन पच्चीस अरकान ने वोट दिया है और वोट अगर इन्होंने दिया है तो फिर इनकी जो डी सीट होना है वो बनता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक वाज राय आ चुकी है कि इनहराफ करने वाले जो हैं वो वोट काउंट नहीं काउंट नहीं हो सकता उनका तो एक अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पक सकती है लेकिन इमकान है और जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि शायद सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन मुनरफ नरकान को मुनरफ भी करार दे और इनको डी सीट करने का भी आर्डर दे बहरहाल आज एक बड़ा दिन है पी टी आई और इमरान खान पी टी आई इमरान खान उनके वर्कर्स और खालि जवेद खान साहब की कामयाबी का दिन है तो आई होप कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म होगी और मामला बेहतरी की तरफ आगे की तरफ, तरफ आगे जाएंगे तो अज़म ये थी आज की वीडियो इन शक्स्ट वीडियो में खबर के साथ मैं हाज़िर हूँ तब तक वहीं मतलब को ज्यादा दीजिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें लम सब का हाँ यहनासर